नमस्कार दोस्तों, ई स्किल्स एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 21 मार्च 2018 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लाए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने अभी हाल में ही किस देश के साथ कर परिहार पर समझौता किया है? तो इसका उत्तर है हांगकांग। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। भारत और हांगकांग ने दोहरा कराधान परिहार समझौता पर किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और कर चोरी को रोकने का लक्ष्य रखा गया है। इससे कर मामलों में पारदर्शिता में सुधार होगा और कर चोरी और कर परिहार को रोकने में मदद मिलेगी। यह समझौता दोहरे कराधान को रोकेगा और दो अनुबंध पक्षों के बीच सूचना के आदान प्रदान को आसान करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने अभी हाल में ही किस देश के साथ नौसेना अभ्यास गल्फ स्टार 1 करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है यूएई। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। यूएई और भारत ने नौसैनिक जहाज द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए पहले संयुक्त अभ्यास गल्फ स्टार 1 का आयोजन करेंगे। INS गोमती गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और INS कोलकाता गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह संयुक्त अभ्यास व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है और इसका लक्ष्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी हाल में ही किस बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए पड़ोसी उत्तरी अमीरात में अपने खुदरा प्रसाद का विस्तार करने के लिए एक्सिस बैंक ने शारजहाँ में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। प्रतिनिधि कार्यालय दुबई आबू धाबी के बाद संयुक्त अरब अमीरात में तीसरा एक्सिस बैंक कार्यालय है। नया कार्यालय अमीरात में NRI समुदाय को सेवा प्रदान करेगा और अन अमीरात में भी सेवा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, Airbnb ने उत्तर पूर्वी परिषद के साथ किया समझौता, इस संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, Airbnb ने उत्तर पूर्वी परिषद और उत्तर पूर्व पर्यटन विकास परिषद, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना और उत्तर पूर्वी क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन सोसाइटी के साथ समझौता किया है, ये सही है। अगला कथन, इसका लक्ष्य भारत के पूर्वोत्तर में प्रमुख स्थलों में सूक्ष्म उद्यमियों को बनाना है, ये भी सही है। अगला कथन, यह साझेदारी पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देगी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, गल्फ शील्ड 1 मिलिट्री अभ्यास शुरू हो गया, इस संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC सदस्य देशों सहित 23 देशों का गल्फ शील्ड 1 मिलिट्री अभ्यास सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में आयोजित किया गया, ये सही है। अगला कथन, इसे सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, ये भी सही है। अगला कथन, प्रशिक्षण का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की सैन्य तैयारी बढ़ाना, संयुक्त तंत्र की आधुनिकीकरण करना और समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना, ये सारे कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विजय शंकर को किस देश में मानद कौंसल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विजय शंकर को डेनमार्क के मानद कौंसल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। विजय शंकर सनमार्क ग्रुप के उपाध्यक्ष को चेन्नई में डेनमार्क के लिए मानद कौंसल जनरल नियुक्त किया गया है। उनके काउंसलर जिले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी भी शामिल हैं। श्री शंकर अपने पिता एन शंकर और दादा के आर नारायणन के बाद पद संभाला, जिन्होंने इससे पहले दक्षिण भारत में डेनमार्क के लिए मानद कौंसल के रूप में सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 7, किशन गंगा परियोजना की पहली इकाई शुरू हो गई, यह परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। राज्य द्वारा संचालित बिजली उपकरण निर्माता में ने जम्मू और कश्मीर में NHPC की किशन गंगा जल विद्युत परियोजना के 110 मेगावाट की पहली इकाई चालू कर दी। बांदीपोरा जिले में झेलम की सहायक नदी किशन गंगा नदी पर स्थित 340 मेगावाट की अभी सभी 3 इकाइयों में वार्षिक 1350 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। भेल ने जम्मू कश्मीर में 1257 मेगावाट की क्षमता वाली
31 हाइड्रो इकाइयाँ शुरू की हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पोषण अभियान पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ शुरू हुई? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पोषण अभियान की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला को नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी के साथ दिन भर की कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को झुंझुनू में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अभी हाल में ही IRCTC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ओला। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। पहले मील से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए IRCTC ने यात्रियों को इसकी ऐप पर टैक्सी बुक करने का विकल्प प्रदान करने के लिए टैक्सी सेवा प्रदाता ओला के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ओला कैब सुविधा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर सीधे सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। यह समझौता एक 6 महीने की पायलट परियोजना है जो ग्राहकों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर ओला बुकिंग की सेवा प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका विषय में डिटेल ले लीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे को विश्व भर के लोगों के जीवन में खुशी को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 2018 की विषय वस्तु है शेयर हैप्पीनेस, संबंध, कृपा और एक दूसरे की मदद करना है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाने का विचार सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और EU यूरोपीय यूनियन ने करार किया है, इस संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, भारत और यूरोपीय संघ ने एक करार किया है जो उन्हें एक दूसरे के उपग्रहों से पृथ्वी का अवलोकन डेटा साझा करने में सक्षम करेगा, ये कथन सत्य है। अगला कथन, यूरोपीय आयोग भारत को उपग्रहों के कोपरनिकस सेटिनल परिवार से डेटा की स्वतंत्र और पूर्ण और मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इसरो अपनी पृथ्वी के अवलोकन उपग्रहों से डेटा साझा करेगा, ये भी सही है। यह करार बेंगलुरु में किया गया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने 18 डीजल लोको किस देश को सौंप दिए? तो इसका आंसर है म्यांमार को दिए हैं। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। भारत ने 18वीं डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को म्यांमार को सौंपा, जिससे पूर्वी पड़ोसी को वर्तमान भारतीय लाइन क्रेडिट LOC के तहत पहली परियोजना को पूरा किया गया। इन लोगों को माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण आधारित प्रणाली में लगाया जाता है। म्यांमार रेलवे के लिए इन डीजल इंजनों की अनुकूलित किया गया है। लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी द्वारा बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वीवो ने अभी हाल में ही किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है आमिर खान। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। वीवो की भावी ब्रांड और उत्पाद संचार पहल के लिए आमिर खान के साथ करार किया गया। वीवो लोकप्रिय खेल प्लेटफॉर्म जैसे इंडियन प्रीमियर लीग, IPL और प्रो कबड्डी लीग के साथ भी जुड़ा हुआ है। वीवो ने 2014 के अंत में भारत में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है? तो इसका आंसर है कोच्ची। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। केरल सरकार राज्य को डिजिटल नवाचार और निवेश के लिए एक केंद्र बनाने हेतु योजना विकसित करने के लिए 22 मार्च से 2 दिवसीय वैश्विक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम का विषय टूवर्ड्स ए डिजिटल फ्यूचर है। कोच्ची के में मुख्यमंत्री पनाराई विजयन द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद फ्यूचर नामक कार्यक्रम में 2000 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 15, अभी हाल में ही केदारनाथ सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? वह एक कवि थे। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। लंबे समय की बीमारी के बाद प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह का 20 मार्च को निधन हो गया। एक ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता केदारनाथ सिंह अपनी सरल लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके कुछ बेहतरीन कार्यों में पुरस्कार विजेता कविता संग्रह आकाश में सरस, बाघ अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, टॉल्स्टॉय और साइकिल शामिल हैं।